नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बनगर तहसील के अंतर्गत इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम उपवास के रहने वाले पिता पुत्र कुछ दिन पूर्व जिस पर थाना इंगोरिया में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया। पुत्र भरत मीणा उम्र 20 वर्ष द्वारा इंगोरिया थाने पर पेशाब के बहाने जाते समय एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। युवक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे उज्जैन जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान भरत की मौत होने के कारण थाना प्रभारी प्रकाश वाक्सले और 6 पुलिस कर्मियों को उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर ने निलंबित किया। और उसी में जो है कल सुबह उसमें भरत मीणा ने जो है मतलब मृतिका का जो है भाई, उसने जो है कुछ जो है थाने पे जो साफ सफाई के लिए कुछ फिनाइल जैसी चीज़ें रहती हैं जो स्वीपर लेके आते हैं वो सफाई करनी, तो उसको उसने जो है कि किसी बहाने से उसने उठा के उसका सेवन कर लिया था और उस पर से उसको जो है उज्जैन में एडमिट कराया गया था तत्काल। बाद में इंदौर डॉक्टरों ने उसको जो है इंदौर के लिए एमवाई के लिए रेफर किया था और आज उसकी डेथ हो गई है। इसी प्रकरण में जो है कल पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर जी ने कल 6 लोगों को दोषी कर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को 6 लोगों को सस्पेंड किया था और आज जो है उनकी मृत्यु होने के बाद पुलिस अधीक्षक को लगा कि ये ज़्यादा गंभीर मैटर है, इस कारण से जो है वहाँ के थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले को भी सस्पेंड किया जा रहा है और संपूर्ण मामले में अभी स्थिति ठीक है। साथ ही साथ उसके पिताजी हीरालाल मीणा जो कि बड़नगर जेल में इसी मामले में जेल में हैं और पुलिस से जो भी सहयोग और होगा पुलिस मानवीय आधार पर वो सभी सहयोग करेगी। अभी तक कुल 7 लोगों को सस्पेंड किया गया। बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।